গুরুর ব্রহ্মা গুরুর বিষ্ণু গুরুর দেব মহেশ গুরুর সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুয়ে নমঃ। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकालनी कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का इष्टो गुरु इष्टो तक पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपके जन्म कुंडली में ग्रहों के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उनमें से मैं उस रोग को लेकर आया हूँ जिस रोग को आज क्षय रोग या टीबी कहते हैं। जी हाँ, टीबी। यह रोग वंशानुगत होता है, परंतु बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद इसके जीवाणु बच्चे के शरीर में उत्पन्न होते हैं और वह बढ़ते हैं। इसे त्रिदोषज्य रोग भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव तथा सिंह राशि से इस रोग का विचार किया जाता है और इस रोग का कारक ग्रह चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा यदि आपके जन्म कुंडली में कमजोर हो, जल राशि में पापक ग्रह के साथ अत्यधिक कमजोर होकर बैठा हो, मंगल बुध छठे भाव में स्थित हो और चंद्रमा पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति के जन्म कुंडली में क्षय रोग अर्थात टीबी होने की संभावनाएं बनती है। चंद्रमा शनि तथा मंगल के द्वारा दृष्टिगत होता हो तो भी आपके जन्म कुंडली में क्षय रोग की संभावनाएं बनती है। यानी चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में किसी भी आधार से प्रभावित हो जाए और आपका लग्नेश और अष्टम भाव अष्टम दोष लगता हो, लग्नेश कमजोर हो, तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में क्षय रोग का योग बनता है। यानी ऐसे जातक के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम जाती है लग्नेश के कमजोर होने से। आपके रोग भाव छठे और अष्टम भाव का प्रभाव यदि अधिक बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति बन जाती है। यदि जातक अग्नि तत्व का हो तो वह इस रोग से लड़ भी लेता है, परंतु जल राशि वाले जातक के लिए यह समस्या रहती है। इस रोग के निवारण के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। जातक प्राणायाम करे, प्राणायाम उसके लिए बहुत आवश्यक है। चांदी का प्रयोग करे, चांदी के ग्लास में जल ग्रहण करें, चांदी के ग्लास में रात्रि के समय सोते समय दूध रत्ती भर हल्दी का चूर्ण गुड़ तथा केसर एक से दो दाना मिलाकर ग्रहण करें यानी पीवे। साथ ही साथ सुबह में नाश्ता के समय में अंकुरित मूंग चना और गेहूं इसका ग्रहण करें। इसके ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और क्षय रोग प्रभावित नहीं कर पाते। साथ ही साथ 5 मिनट सुबह तथा शाम सोते समय, शाम में सोते समय और सुबह
जब आप उठें तो ओम का उच्चारण करें, इससे भी आपके तंत्रिका तंत्र पर एक वाइब्रेशन जनरेट होगा जिससे आपको अत्यधिक एनर्जी मिलेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में बढ़ जाएगी। मंत्र में ओ सो सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तथा भगवान शंकर की पूजा करें। ऐसा करने से क्षय रोग अर्थात टीबी रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। आपको साधुवाद, नमस्कार, नमः पार्वती पते।